हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिस इन्फॉर्मेशन चैनल। आज हम एक हॉट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो है मिस गुलाली इस्माइल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉर और अगेंस्ट हर, मैं इस वक्त जो है जिस सेंस में बात करना चाह रहा हूँ वो पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम है, जो कि अब एक फरसूदा और बेकार तरीन सिस्टम हो चुका है जिसे एक चेंज करने की ज़रूरत है। क्यों आजकल की आवाम हमारी पाकिस्तान की पाकिस्तान से फ्ली करना चाहती है, पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती। जब भी उन्हें कोई इश्यूज आते हैं तो वो पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते। इसके पीछे काफ़ी अरसे से काफ़ी वजूहत चलती आ रही हैं, लाइक एवरी ओल्ड स्टोरी। आपको जैसे कि पता ही होगा, एवरीवन नोज रेप केसेस जिनका कोई अंत नहीं आया अभी तक। फिर हमारे पास टारगेट किलिंग्स आई जिसके अंदर हमारे मशहूर मायनाज पुलिस ऑफिसर्स खुद शामिल रहे, और वो भी बड़े आराम से अपने आराम अपने घरों में सुकून से बैठे हुए, और उन्हें कुछ फ़र्क नहीं हुआ। फिर हमारे पास आ जाता है एटीएम केस, फिर हमारे पास आ जाता है वो जो सियालकोट केस, फिर आपके पास काफ़ी सारे और इस किस्म के केस आ जाते हैं। फिर आपके पास आ जाता है इक्विटी और इक्वलिटी केसेस। इक्विटी और इक्वलिटी केसेस इन सेंस मैं बात करना चाहूँगा केपी के सिंध बलूचिस्तान के लोगों की, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं इक्विटी की इक्वलिटी की, हम इनको ना तो इक्विटी के साथ डील कर रहे हैं ना इक्वलिटी के साथ डील कर रहे हैं। डिस्पाइट ऑफ एवरी इशू, एवरी फॉर और अगेंस्ट बींग विद गुलाली इस्माइल, जिस चीज़ ने मुझे आज ये वीडियो बनाने के ऊपर मजबूर किया वो ये थी, क्या हम अपने मुल्क के अंदर ऐसा निज़ाम नहीं लेके आ सकते कि कोई अपने पाकिस्तान की जस्टिस सिस्टम के ऊपर एतमाद कर सके। पहले हमें डिसइंफॉर्मेशन थी कि वो भाग गई है या उसे किडनैप कर लिया गया है या उसे जो है पुलिस ने और पाकिस्तान की एजेंसीज ने उठा लिया है। वट एवर, कोई बंदा क्यों भागेगा जब आपको कंफर्म हो कि आपकी बात नहीं सुनी जानी, तभी बंदा अगला भागता है। क्योंकि ये ओनली गुलाली इस्माइल की बात नहीं है, आप किसी भी बंदे को लेते हो, हम उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन क्यों नहीं प्रोवाइड करते। जस्ट लाइक एटीएम केस हुआ, हमने फौरन इनकार कर दिया कि भाई वो जो सलाउद्दीन साहब थे उनको तो हमने कुछ किया ही नहीं, वो तो ये कहते हैं हॉस्पिटल के अंदर उनकी डेथ हुई, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। बाद में हमने कहा हमारे पुलिस ऑफिसर्स के अंदर कैमरे लाने बंद कर दें। ये हमारी आजकल की गवर्नमेंट के हालात हैं। फिर हम दूसरी तरफ पे आ जाते हैं, जो हमारे एक साहिब को रोड के ऊपर कत्ल कर दिया गया अपनी फैमिली के साथ, डिस्पाइट इसके कि उसका कोई प्रूफ प्रोवाइड करते, कोई इंफॉर्मेशन देते कि भाई ये बंदा गलत था, हमने उस ये सही था, उसको कोई आगे से रिप्लाई देने का के काबिल छोड़ते हमने डायरेक्ट उसे मार दिया। और फिर उसके बाद हम उसको डिफेंड करने लग पड़े कि ये यहाँ से यहाँ जा रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, जबकि उसके छोटे छोटे बच्चों के सामने उसे मार दिया गया। आई एम नॉट अगेन टेकिंग द साइड ऑफ दैट पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, इक्विटी एंड इक्वालिटी। फिर आप आ जाते हैं दड़ावड़ साहब के पास, दावड़ साहब हैं, दड़ावड़ साहब हैं, जो भी हैं। फिर हमारे जो पख्तून मूवमेंट के जो लोग हैं उनकी तरफ आ जाते हैं, यार आप मौका क्यों देते हो। I'm not again taking the side of those people. I'm just talking why you are giving them the chance to take a side. Why you are not replying them with a perfect argument. जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता तभी आप अगले को forcefully काम करते हो, अगले के ऊपर अपनी force जाहिर करते हो। जब आप force से जाहिर करते हो तो इसका मतलब है there is something fishy going around. हम क्यों ये सारा कुछ कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को सीधे तरीके से क्यों नहीं चलने दे सकते। हमारे जो
सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर 16 जजेज हैं, 16 के 16 जजेज जो होते हैं इंक्लूडिंग हमारा चीफ जस्टिस, वो हमारे प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की वजह से लगते हैं, प्रेसिडेंट की मशावरत से लगते हैं। फिर हमारे जो हाई कोर्ट्स के सारे जज होते हैं वो सारे के सारे प्रेसिडेंट प्लस उस एरिया का गवर्नर के रेफरेंसेस से लगते हैं। फिर आपके जितने भी आपके तबादले होते हैं वो सारे के सारे पॉलिटिकल होते हैं। अब ये सारा कुछ जब पॉलिटिकली चल रहा होता है, जब आपकी पुलिस सारी की सारी पॉलिटिकल है, आपका जस्टिस सिस्टम सारा का सारा पॉलिटिकल है, आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ कोई चीज़ बेहतर निकलेगी? फिर आप एक एविडेंस ला के प्रोवाइड करते हैं, किसी ने मैसेज किया, फलाने ने फलाने को मैसेज कर दिया कि मैसेज जो है अगेंस्ट आर्मी था, अगेंस्ट ये था, यार लिटरली मैं ऐसे 50-100 आराम से बना सकता हूँ मैसेजेस, हर कोई प्रोड्यूस कर सकता है, दिस इज़ नॉट अ वे टू प्रोवाइड द एविडेंस। फिर आप प्रोवाइड करते हो गूगल मैप के ऊपर, एक पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अगर आपने गूगल मैप यूज़ किए हो तो आप वहाँ पे वो जाते हैं ट्रैवलिंग फ्रॉम और ट्रैवलिंग टू के दो निशान लगा के एक लाइन बन जाती है, वो आप प्रोवाइड करते हो एज एन एविडेंस, ये यहाँ से यहाँ जा रहा था। व्हाट द हेल इज़ इट, दिस इज़ नॉट द एविडेंस। आपने लोगों को इस नहज पे पहुंचा दिया है कि वो आपके ऊपर एतबार नहीं करते, वो आपसे भागने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिर आप जो है कहते हैं कि हम तब्दीली लेके आ रहे हैं, भाई मेरे अपना जस्टिस सिस्टम चेंज करो, अपनी कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर इक्विटी और इक्वालिटी लेके आओ। आई होप मिस्टर प्रेसिडेंट और मिस्टर इमरान खान विल समहाउ ट्राई टू डू इट, आई एम जस्ट होपिंग दैट दे कैन डू इट, बट आई डोंट नो वेयर माई होप्स विल एंड। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग माई दिस कंसेंसस अबाउट दिस ऑल सिचुएशन, थैंक यू, बाय बाय।